हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप भी किसी नए मेंबर का आयुष्मान कार्ड बनाने जा रहे हैं, यानी कि उसके घर में किसी का भी आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, उसमें आप ऐड फैमिली मेंबर करके उनका न्यू आयुष्मान कार्ड बनाना चाहते हैं और आप ऐड मेंबर नहीं कर पा रहे हैं, चाहे आपके पास ऑपरेटर आईडी है या फिर आप मोबाइल नंबर से लॉगिन होकर ऐड मेंबर करना चाहते हैं, आप ऐड मेंबर नहीं कर पा रहे हैं, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि आप अपने घर बैठे मोबाइल के माध्यम से ही कैसे ऐड मेंबर कर सकते हैं, यानी कि नए मेंबर का कैसे आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं, उसके लिए कौन सी आईडी की जरूरत पड़ने वाली है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, सब कुछ इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो अगर आपके घर में भी किसी का भी आयुष्मान कार्ड बना हुआ और आप भी किसी का ऐड मेंबर करना चाहते हैं, अगर आप इसी एक वीडियो को देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको ऐड मेंबर कैसे करना है, यानी कि आपके घर में किसी का भी आयुष्मान कार्ड बना हुआ है या फिर आप किसी का भी आयुष्मान कार्ड बनाने जा रहे हैं, उसके घर में किसी का भी आयुष्मान कार्ड बना हुआ है तो आप बहुत ही आसानी से ऐड मेंबर करके उनका आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं जिनका नाम राशन कार्ड में ऐड है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए उनके फादर या मदर किसी का भी आयुष्मान कार्ड बना हुआ है और राशन कार्ड में उनका भी नाम ऐड है, तो आप उनको ऐड मेंबर करके उनका भी आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं और उनको भी 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में हम यही बताने वाले हैं और आपको यही बताएंगे कि कौन सी आईडी से ये बनने वाली है और उसके लिए आपको क्या करना है, सब कुछ इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अब अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में कोई सा एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ आपको टाइप करना है बेनिफिशरी। ठीक है, अब यहाँ आपको बेनिफिशरी लिखना है beneficiary.nha.gov.in। अब आपको यहाँ पे लिख के सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ आपको देखने को मिलता है दो ऑप्शन। ठीक है, पहला बेनिफिशरी का, दूसरा ऑपरेटर का। तो आपको क्या करना लगेगा, जैसे कि आपको सभी को पता ही होगा पहले से ही बेनिफिशरी में बंद कर दिया गया है, तो इसको आपको नहीं ओपन करना है। यहाँ आपको ऑपरेटर वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, ऑपरेटर वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर को टाइप करना है, वेरीफाई वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे अब जैसे मोबाइल नंबर को आप टाइप करके वेरीफाई करेगा तो आपके मोबाइल नंबर को ओटीपी को सेंड किया जाएगा, फिर आधार में लिंक मोबाइल नंबर को ओटीपी को सेंड किया जाएगा। ओटीपी को फिल करना है, कैप्चा कोड यहाँ फिल करना है, लॉगिन वाला ऑप्शन पे क्लिक करके पहले आपको अपने ऑपरेटर में लॉगिन हो जाना है। अब देखिए, अब जैसे ही लॉगिन हो जाता है तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और आपकी आईडी किसी भी स्टेट से उससे मतलब नहीं है, लेकिन हम आपको ये बताएंगे कि कौन सा रोल होगा तो ही आप ऐड मेंबर कर पाएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझ लीजिएगा ऐड मेंबर कैसे आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। पहला आपको स्कीम नेम देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको देखना था PMJY, तो आपको PMJY को ही रहने देना है। नीचे आपको आना है स्टेट में, तो जो भी आपका स्टेट है यहाँ आपको अपने स्टेट को सिलेक्ट करना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको देखने को मिलता है स्कीम नेम, आपको इस पर क्लिक करना है सब स्कीम वाला ऑप्शन पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल रहा है। पहला है आशा का, जो कि अगर आप आशा से ऐड मेंबर करना चाहते हैं तो आप ऐड मेंबर नहीं कर सकते हैं। अगर आप AWW मतलब आंगनवाड़ी से अगर आप ऐड मेंबर करना चाहते हैं तो आप ऐड मेंबर नहीं कर सकते हैं। किसी भी ऑपरेटर आईडी से BOCW में करना चाहते हैं तो भी आप ऐड मेंबर नहीं कर सकते हैं। दीनदयाल उपाध्याय में भी नहीं कर सकते हैं। PM Jan 1 PVTG में भी नहीं कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर PMJY जो है उसमें भी आप नहीं कर सकते हैं, बस आप कर सकते हैं PMJY में। ठीक है, आपको PMJY को ही सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आना है, नीचे यहाँ आपको देखता है डिस्ट्रिक्ट नेम, तो डिस्ट्रिक्ट नेम उतना मैटर नहीं करता, आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ आपको देखने मिलता सर्च बाई का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर किसके फैमिली में ऐड करना चाहते हैं, किसी का आधार कार्ड, अगर मान लीजिए किसी का आयुष्मान कार्ड बना हुआ है तो उनका PMJY आईडी नंबर भी आप टाइप कर सकते हैं, फैमिली आईडी भी नंबर भी टाइप कर सकते हैं और आधार नंबर भी टाइप कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ फैमिली आईडी को ही टाइप कर लेंगे। फैमिली आईडी को सिलेक्ट करिएगा, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फैमिली आईडी को टाइप करना है। लेकिन याद रहे स्कीम नेम PMJY होना चाहिए, फैमिली आईडी जो 24 डिजिट वाली होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ फैमिली आईडी को टाइप करना है, कैप्चा कोड टाइप करना है और नीचे आपको सर्च का ऑप्शन देखने मिलेगा, आपको सर्च वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे आप टाइप कर लीजिएगा, टाइप करने के बाद यहाँ पे सर्च का ऑप्शन देखने मिलेगा, बस आपको सर्च वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सर्च वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने मिलेगा, आपको थोड़ा सा नीचे आना, नीचे आपको देखने मिलता है एक्शन का ऑप्शन, यहाँ आपको देखने मिलता है डाउनलोड का ऑप्शन। ठीक है, आपको क्या करना होगा, डाउनलोड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना। जैसे डाउनलोड वाला ऑप्शन पे क्लिक करिएगा तो आपके सामने भी कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ आपको डाउनलोड कार्ड का ऑप्शन देखने मिलता है, सर्च का, रेडो KYC, ऐड मेंबर, डाउनलोड कार्ड और यहाँ पे कार्ड डिलीवरी का। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऐड मेंबर वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। ऐड मेंबर वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करिएगा,
पहला आपको जो प्राइमरी मेंबर है उनका एक बार ई केवाईसी कर लेना है। ई केवाईसी करने के बाद जिनका नाम ऐड करना चाहते हैं उनका आपको ई केवाईसी कर देना है और उनका नाम को फिल करके, डिटेल को फिल करके आपको फाइनल सबमिट कर देना है। तो यहाँ आप ऐड मेंबर उनका कर लीजिएगा और उनका आयुष्मान कार्ड बना दीजिएगा। ये हो गया आपको ऐड मेंबर। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐड मेंबर मेरे ऑपरेटर आईडी से नहीं हो रहा है तो हमको क्या करना चाहिए। तो अभी सभी ऑपरेटर आईडी से बंद कर दिया गया है। जिनका ऑपरेटर आईडी हॉस्पिटल रोल से था उन्हीं का चालू किया गया है, बाकी सभी लोगों का बंद कर दिया गया, चाहे वो सीएससी से हो या फिर किसी और से। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका सीएससी से है तो सीएससी वालों का भी बंद कर दिया गया है। आपका किसी भी ऑपरेटर आईडी से है, किसी भी रोल से, तो उसको बंद कर दिया गया है। अब आपको यहाँ पे चाहिए क्या चलिए वो भी हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर आपको थ्री लाइन देखने को मिल रहा है, आपको चलिए थ्री लाइन पर आपको क्लिक करके दिखा देते हैं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखने को मिलता है ऑपरेटर बीआईएस का ऑप्शन, जहाँ रोल है ऑपरेटर बीआईएस का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अगर आपका ऑपरेटर एंटिटी नेम जो है अगर किसी हॉस्पिटल का है और यहाँ पे ऑपरेटर रोल में, यहाँ पे रोल में अगर पीएमएएम करके है तो ही आप ऐड मेंबर कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा ऑपरेटर आईडी नहीं है तो आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। आपको अपने नज़दीकी हॉस्पिटल पे चले जाना है और वहाँ पे जो आपके पीएमएएम होंगे यानी कि प्रधानमंत्री आरोग्य जो मित्र हैं, आप वहाँ से जाके उनसे ऐड मेंबर बहुत ही आसानी से करवा सकते हैं। पीएमएएम का मतलब होता है कि प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र, ठीक है। उनके पास आपको चले जाना है हॉस्पिटल में और आपको राशन कार्ड अपना लेके चले जाना है। अगर आपके घर में किसी का भी बना हुआ है तो आपको उनका कार्ड या आधार कार्ड उनका लेके चले जाना है, अपना राशन कार्ड और अपना आधार कार्ड लेके चले जाना है। वहाँ पे जाने के बाद उनको ओटीपी की ज़रूरत पड़ेगी, आपको ओटीपी दे देना है और तुरंत आपका वो ऐड मेंबर कर देंगे। तो इस तरीके से आप ऐड मेंबर कर सकते हैं। बाकी सभी ऑपरेटर आईडी से ऐड कर दिया गया है। अगर आपके पास ऑपरेटर आईडी है तो आप अभी ऐड मेंबर नहीं कर सकते हैं, आप ओनली ई केवाईसी कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र का आईडी है तो ही आप कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो अपने नज़दीकी हॉस्पिटल पर जाकर अपना ऐड मेंबर करवा सकते हैं, अगर आपका भी राशन कार्ड लिस्ट में नाम है तो। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।